हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी। दोस्तों, जेपीएससी एई का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिवाइज्ड आंसर की के लिए ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, तो आप यहां पे देख सकते हैं। हम वही अभी खोले हुए हैं नोटिस आपका, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। जेपीएससी एई का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसी का रिवाइज्ड आंसर की अपडेट हुआ था, लेकिन अभी एक बार फिर से रिवाइज्ड आंसर की फाइनल आंसर की अपडेट हो गया। आप इससे चेक कर सकते हैं कि कितना मार्क्स आपका डिफर कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ नोटिस में। झारखंड लोक सेवा आयोग रांची का ये नोटिस है, प्रेस विज्ञापित। संयुक्त सहायक अभियंता असैनिक और यांत्रिक सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा प्रीलिम्स विज्ञापन संख्या 5/2019 के संबंध में आवश्यक सूचना। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 19/1/2020 को 19 तारीख को आयोजित संयुक्त सहायक अभियंता सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट पर जारी करते हुए अभ्यर्थियों से दिनांक 7/2/2020 से संध्या 5 बजे तक मॉडल उत्तर के विरुद्ध सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। मतलब जो आंसर की आया था, जो 19 का एग्जाम हुआ था, उसको उसका जो ऑब्जेक्शन था वो 7 तारीख तक देना था, ठीक है, 5 बजे तक। तो वो सबको देखते हुए, वो सारा चीज़ को देखते हुए एक बार फिर से जो है रिवाइज्ड आंसर किया चुका है। तो पेपर वन जो जनरल स्टडी का, उसमें कोई रिवीजन नहीं है। मतलब जो एज इट इज़ है, इसमें कोई भी रिवीजन नहीं है आंसर की में, देख सकते हैं यहाँ पे। और आपका यहाँ पे बात करें आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग पेपर में, तो सिविल इंजीनियरिंग पेपर में आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग पेपर टू में, सिविल इंजीनियरिंग में कितना क्वेश्चन का आंसर जो है वो रिवाइज्ड हुआ है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 क्वेश्चन कुल मिलाकर रिवाइज हुआ है। इस 8 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इसका तो ऑप्शन देखिए आपको यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पहला का हो गया, दूसरा का हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रिवाइज आंसर की हो गया। यहाँ पे सेट अगर हम सी का बात करें तो इसमें से देख लीजिए कुल मिला के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स ये सभी को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, 2 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल। मतलब 8 जो नंबर है, 1, 2, 3, 4 8 मार्क्स जो है वो सबको मिलेगा इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 8 मार्क्स सभी को मिल गया, ऐसे ही मिल गया। मतलब अगर किसी का 170 आ रहा है तो उसका मतलब ये चारों हटा के उसका 178 हो जाएगा। अगर ये चारों मतलब 8 मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज्ड हुआ है, 1, 2, 3 और 4 4 क्वेश्चन का आंसर रिवाइज्ड हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 55 का बात करें यहाँ पे, अगर सेट सी का, तो कौन सा क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो है 55 का जो सी आंसर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि फर्स्ट क्लास जो ब्रिक्स है वो अगर 24 आवर के लिए इमर्ज्ड करते हैं तो वो कितना परसेंट वाटर जो है वो कितना परसेंट वाटर से ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर बाई वेट मोर देन। तो यहाँ पे जो जेपीएससी ने आंसर की रिवाइज किया है वो सी ऑप्शन के अनुसार 15% बोला है, ठीक है। तो जो अगर 15% मारे होंगे तो सही है ना, नहीं तो फिर यहाँ पे आपका गलत हो जाता है अगर 20% आप अगर किए होंगे तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 56 का ए बोला हुआ है। तो 56 जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो इज, तो कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में द वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा वो इसके अनुसार जेपीएससी के आंसर के अनुसार लेस देन 0.25 होना चाहिए। फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो इज, तो यहाँ पे बीपीएससी के आंसर के अनुसार कितना होना चाहिए, लेस देन 0.25 होना चाहिए। और इसके बाद 21 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 का अगर हम बात करें तो 21 आप देख सकते हैं, 21 में व्हाट इज़ द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट इन ए सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल, तो उसमें आपका डी आंसर देख सकते हैं आप, देख लीजिए जाके वर्टिकल डेप्थ में क्या होगा। इसके बाद आ गया आपका 41, तो 41 के अनुसार में जो क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट मेड व्हेन लेफ्ट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेस द राइट हैंड रेल ऑफ एनदर ट्रैक इज नोन एज, जेपीएससी के आंसर को आंसर कितना होगा, 41 का ए आंसर होगा, मतलब एक्यूट एंगल क्रॉसिंग होगा, तो जिसका ये सही होगा वो सही हो जाएगा। तो ये सारा जो आंसर है चार वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, चारों आप उसी के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका मैकेनिकल का हो गया, मैकेनिकल में भी देख सकते हैं दो ही इस यहाँ पे दो आंसर होगा, दो आंसर गलत हुआ है मैकेनिकल में।
तो ये सारा जो चीज़ है आप देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं फिर से और आप अपने तैयारी को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आपका आपको पता है कि एग्ज़ाम जो होने वाला है इसका वो 2 से 4 मई को होगा, 2 से 4 मई को होगा, 3 दिन एग्ज़ाम होगा इसका। और इसका जो एग्ज़ाम का डेट है, एग्ज़ाम डेट, वो इस महीना के लास्ट तक आ सकता है या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ सकता है या फिर इस महीना के लास्ट तक आ सकता है। तो आप उसके अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों आपको सिविल ज्ञान सिटी चैनल पे जेपीएससी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अवेलेबल है यहाँ पे, जनरल इंग्लिश का सारा वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और जेपीएससी का मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा आपको, और भी टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।